कोरोना संकट में जरूरतमंदों को परेशानी नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ दौसा जिले के लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता खुलवाने वाली महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 3 माह तक 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। बैंकों में भीड़ न हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। समूचे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत खाता धारकों को 500 रुपये ऐसे समय देने का ऐलान किया है। ऐसे समय उनके द्वारा दिलवाए जा रहे हैं जब लोगों को इसकी ज़रूरत है। हम खड़े हैं SBI बैंक में, जहां कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी नियमों की जहां पालना की जा रही है, वहीं लाभार्थियों को इस तरह खड़ा करके उन्हें जनधन जो खाता धारक है उन्हें 500 रुपये दिए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं बैंक मैनेजर से स्कीम के बारे में जानने की। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाते में सब में 500 रुपये प्रति माह 3 महीने तक लगातार डालने की उन्होंने घोषणा की है। वो पैसे डल रहे हैं बराबर से, उसके लिए हमने सोशल डिस्टेंस के दूरी तय करते हुए शाखा के अंदर और शाखा के बाहर गोले बना करके उन गोलों के अंदर सोशल डिस्टेंस की दूरी के दूरी पर रख रहे हैं। हर कस्टमर के बाहर पानी और लिक्विड सोप उनसे हाथ धुलाने के बाद में यहाँ सैनिटाइजर हमारे गार्ड के द्वारा किया जा रहा है। ग्राहकों को भी यही समझाइश दी जा रही है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप बैंक आइए, अन्यथा डिजिटल बैंकिंग भी हो गई है तो डिजिटल बैंकिंग से अपना पेमेंट ले सकते। 500 रुपये मिला है, लॉकडाउन में परेशानी हो रही है, 500 रुपया खर्चा पानी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने किया है। लॉकडाउन की इस परिस्थिति में सभी नियमों की पालना करते हुए SBI द्वारा यह सेवाएं दी जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इन जरूरतमंदों का जो सपना है, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए पैसा काम आ सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा।